सहारनपुर में हाईवे पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था। हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग बाइक को दिखाई गई हरी झंडी। नेशनल स्ट्रीट हाईवे पर दुपहिया वाहन करेगी पेट्रोलिंग। रात्रि में अपराध नियंत्रण व दुर्घटना होने पर तत्काल मिलेगी सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब। जी, आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस ने हाईवे पर यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन व डीजीपी के आदेश अनुसार हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 11 हाईवे पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, यात्रियों को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और सहारनपुर पुलिस का क्या कुछ उद्देश्य है, देखिए इस पर सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या कहा, सुनिए। शासन और डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार हाईवे की विशेष सुरक्षा हेतु और अपराध नियंत्रण हेतु हमने आज हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों का हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया है। ये विशेष 11 बाइक्स हैं जो कि लगातार हमारे हाईवेज पे भ्रमण करेंगी। इनका क्षेत्र बांटा गया है, इसमें पुलिस बल की ड्यूटी लगेगी और विशेष रूप से ये रात में एक्टिव रहेंगी, जिससे कि जो भी यात्री कोई मदद चाहें पुलिस की वो उपलब्ध हो, किसी को कोई समस्या हो उसका समाधान कर सकें, अपराधियों पर नियंत्रण हो और अपराध नियंत्रण में इसमें मदद मिले, दुर्घटना में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। इसके चलते हाईवे सुरक्षा के लिए ये हाईवे पेट्रोल व्हीकल हमने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। ये हाईवे पेट्रोल जो है ये थाने से संबंध रहेगी और थाने की जो हाईवे क्षेत्र है उस पर ये लगातार भ्रमण करेंगी। इसमें मुख्यतः देवबंद से लेकर बिहारीगढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, रामपुर मनिहारन से सहारनपुर नगर तक का क्षेत्र, सहारनपुर नगर से बेहड़ तक का क्षेत्र और गागलहेड़ी से सरसावां तक का जो क्षेत्र है हमारा, ये 5 प्रमुख मार्गों पर हमने पूरी इसमें व्यवस्था की है। सहारनपुर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को।